हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। विविधा के अंतर्गत आज सुनिए विश्व खाद्यान्न सुरक्षा दिवस के अवसर पर वार्ता, आत्मनिर्भर भारत खाद्यान्न सुरक्षा। वार्ताकार हैं डॉक्टर एकता श्रीवास्तव। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। खाद्य सुरक्षा को लेकर विश्व में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विश्व बैंक ने इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। भारत ने भी इसके लिए पर्याप्त कार्य किए हैं। भारत में भी खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पौष्टिक भोजन की कमी है, परंतु वो भोजन जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाता, जिसका कारण हमारी भोजन वितरण व्यवस्था की कमी है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा के कई पहलू हैं और इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खाद्य सुरक्षा का अर्थ है एक ओर से पर्याप्त आपूर्ति, दूसरी ओर पर्याप्त पोषण और कल्याण पर चिंता। 1986 को विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए हर समय सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा से प्रतिस्थापित करना होगा, जिसे संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सार्थकता तक भौतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप के परिभाषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा में इसके तीन मुख्य घटकों के रूप में उपलब्धता, पहुँच कर भोजन का उचित अवशोषण पर शामिल है। 1986 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अधिक जटिल परिभाषा को अपनाया, जिसमें कहा गया कि पूर्ण खाद्य सुरक्षा तभी मिल सकती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक पहुंच हो, ताकि वे अपनी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा कर सके। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। भारत उन देशों में से एक है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास किया है। अस्थायी खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सार्वजनिक आवंटन, जो कि खाद्य और नौकरी कार्यक्रमों से जुड़ा है, में से उल्लेख में वृद्धि हुई है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए साथ ही साथ गरीबी दर में महत्वपूर्ण गिरावट और बफर स्टॉक में वृद्धि के बावजूद लगातार असुरक्षा बनी हुई है। लाखों लोग ऐसे भी हैं जो कुपोषित और खाद्य असुरक्षित हैं, जिसका कारण भोजन की उपलब्धता नहीं बल्कि भोजन वितरण है। विश्व बैंक स्कूल में भोजन को पहल की लंचित सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में वर्णित करता है, जो सबसे कमजोर बच्चों को शैक्षिक और स्वास्थ्य दोनों लाभ प्रदान करता है, जिससे नामांकन दर में वृद्धि होती है, अनुपस्थिति कम होती है और घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
यद्यपि भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं: भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अतनगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनिश्चित श्रम बाजार के काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी प्रणति हरित क्रांति में हुई है, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आगे आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई है। खाने पीने की चीजों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ। इसकी वजह यह है कि आज अनाजों और खाद्यान्नों का हम रिकॉर्ड उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। मसलन पिछले वित्त वर्ष में भारत में 28.5 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा 31.1 करोड़ टन फल और सब्जियां भी उगाई गई हैं। जिन खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ उनमें चावल 11.57 करोड़ टन, गेहूं 10.12 करोड़ टन का उत्पादन शामिल है, जबकि पिछले साल देश में गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार 40.37 करोड़ टन रहा है। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल हो, सब्जी हो, शहद या ऑर्गेनिक उत्पादन, ये हमारे पास निर्यातक भी भरपूर क्षमता है और इसलिए बजट में कृषि उत्पादनों के निर्यात के माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फ्रूट प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक तथ्य का आधुनिक तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। देश में बढ़ते खाद्यान्न और दूसरे संबंधी उत्पादों में इजाफे के मद्देनजर सरकार ने मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत 42 मेगा फूड पार्क निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें से 17 मेगा फूड पार्कों में काम शुरू हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 तक देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 90 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। यदि अपना देश आत्मनिर्भर होगा तो हम अपनी हर परिस्थितियों में डटकर सामना कर सकेंगे। हमारे देश में वो सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जो किसी देश में आवश्यक रूप से होने चाहिए। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करें तो वस्तुओं का उत्पादन खुद के लिए करें तो हमारा देश बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, खाद्यान्न सुरक्षा, इस विषय पर अभी आपने ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थी डॉक्टर एकता श्रीवास्तव।